अगले कॉलर हैं हिमाचल से, स्वागत है आपका। सोनूपुरी सोनूपुरी जी, बताइए अपना सवाल कर लीजिए। हाँ जी मैम, मुझे ना टांगों होता है, तो टांगों में दर्द होता है। नहीं आपका। हाँ जी हाँ जी मैम आप ना एक तो टीवी बिल्कुल मत सुनिए, पहले ना आप प्रश्न कर लीजिए, बोलिए। टांगों में कुछ होता है, टांगों में 20 साल हो गए जब मेरा बेटा हुआ, तो उसके बाद ना मेरे से ऐसे बीच में ना कुछ खाता है, जैसे मैं रात को नींद आती है, टीके लगवा लेती हूँ, फिर बीच में ऐसा है, फिर ऐसे होता ही चला आया काफी टाइम से ना। अच्छा आपकी उम्र कितनी है? 53 ईयर। 53। टांगों में दर्द। अच्छा देखिए, 20 साल हो गए आपकी तकलीफ को, और कितनी हिम्मत वाली होंगी आप, और क्या इलाज नहीं किया होगा। देखिए एक इलाज मैं बताता हूँ, जहाँ तक भी पहुँच जाता है उन लोगों को फ़ायदा मुमकिन होता है, लेकिन समझना ज़रूरी है। आपके घर में जो अलसी होती है, ये 200-300 ग्राम अलसी, नहीं हो तो बाज़ार से ख़रीद लें अलसी, और इसको हल्का सा भून के पाउडर बना के रख लें। ये दुनिया के विश्व के प्रसिद्ध नुस्खों में से ये नुस्खा है, और मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर कोई नुस्खा नहीं देखा। मुझे भगवान ने बहुत अनुभवी बनाया है, और मुझे हजारों दवाओं का अनुभव है। तो अगर आप विश्वास करें तो ये अलसी को हल्का सा भून के पाउडर बना के रख लें, 200-300 ग्राम खरीद के। और एक आता है गौंसिया, स्याह कहते हैं काले को, हम लोग गौंसिया कहते हैं, और आसान भाषा में काला गौंद कहते हैं, लेकिन अब ये नकली बहुत मिलने लगा है, असली लेना है आपको। वो खाली 100 ग्राम खरीद ले, अगर असली मिल गया तो समझ लीजिए काफ़ी होना चाहिए आपके रोग के लिए, चाहे वो 20 साल पुराना हो या 30 साल पुराना। ये गौंसिया यानी काला गौंद दुकानदार अक्सर एलुवा दे देते हैं, इसकी जगह पर एलुवा नहीं है, या ढाक का गोंद दे देते हैं, ढाक का गोंद भी नहीं है, ये एक चमकने वाला गोंद कुछ पकड़ा देते हैं आपको और ले लेते हैं। देखिए ये चमकने वाला नहीं होता, और इसको आप 1 ग्राम लें, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाएं, आधे चम्मच अलसी के साथ, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद आधा आधा चम्मच अलसी के साथ मिला के खा लिया करें। 5-7 दिन सब्र करें, 5 या 7 दिन में इसका रिजल्ट आने लगता है थोड़ा थोड़ा। और अगर ये 15-16 रुपए रोज़ का इलाज है आपका बस, और 100 ग्राम में मिल गया तो रोग मुक्त करने की ताकत रखता है। बस आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, एक कुर्सी वाला, और मेहनत का काम ना करें ज़्यादा, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।